करती हूँ खैरियत से होंगे। अलीशास किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को इसके लिए हमें चाहिए, हमने एक बाउल चिकन लिया, 1 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया, 2 टेबलस्पून हमने विनेगर लिया और 2 टीस्पून हमने चिकन टिक्का मसाला लिया और 1 टीस्पून हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम चिकन डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम पिज़्ज़े की डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 3 कप मैदा, 1 छोटी प्याली दूध और 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून ही नमक लिया, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है खमीर। बारी बारी करके अपने सब इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें खमीर डालेंगे, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी और दूध। अब हम इसे गूंद लेंगे। साथ साथ नीम गर्म पानी इसमें शामिल करते जाएंगे। अब हम इसे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। इसे मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस पर लेमन जूस डाल देंगे और साथ ही हम इस पर रख देंगे एल्युमिनियम फॉइल और साथ ही हम इस पर रख देंगे कोयला।
अब हम सबसे पहले जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है उसे ग्रीस कर लेंगे। हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फूल चुका है मैदा, अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। पहले हम फॉक से इसमें इस तरह से सुराख कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पिज्जा सॉस। और साथ ही गार्लिक सॉस डाल देंगे। और टोमेटो केचप डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से फैला कर लगा देंगे। अब हम इस पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अब हम इसमें इस प्याज शामिल कर देंगे। टमाटर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे। और साथ इसमें चिकन शामिल करते हैं। ऑरेगानो डाल देंगे। और साथ इस पे शामिल कर देंगे चेडर चीज। हम इस पर ऑलिव्स लगा देंगे। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। ओवन को हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो जाएगा।